हरिद्वार में होली के त्यौहार की धूम देखी जा रही है। यहाँ आयोजित होने वाले होली मिलन समारोह में जहाँ पर साधु संत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, वहीं बच्चों में भी गजब का उत्साह देखा जा रहा है। शंकर आश्रम तिराहे पर स्थित एक निजी होटल में आयोजित होली मिलन समारोह में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने संतों के साथ फूलों की होली का आनंद लिया, साथ ही साथ प्रदेश की जनता को होली की शुभकामनाएं दी। वहीं आगामी चारधाम यात्रा को लेकर कहा कि सरकार यात्रियों की सुरक्षा के लिए हर कार्य करेगी। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए राज्य सरकार पर चारधाम यात्रा के माध्यम से चुटकी ली। ये संतों की नगरी, ये गंगा की नगरी हरिद्वार, जहाँ पे निश्चित रूप से एक पूरा संदेश देश भर में जाता है। सभी को बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। यात्रा कैसे सफल हो, आने वाले लोगों को हम क्या सुविधा दे सकते हैं, कुल मिला के आप ये देखिए कि ये पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पे अनेकों चुनौतियाँ हमारे सामने रहती हैं, तो इस प्रकार के मानक तय करते हैं। उस मानकों को हम लोग चुनौती नहीं, हम अवसर के रूप में भी समझते हैं कि जहाँ चुनौतियाँ थी वहाँ उनको बड़े अच्छे ढंग से हम करके और स्वाभाविक रूप से हमारी यात्रा सफल हो, माँ गंगे से प्रार्थना भी करते हैं। आप देखते हैं पिछली बार 50 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु हमारे इस चारधाम यात्रा में आए थे, उम्मीद करें इस बार और ज़्यादा लोग इसमें आएंगे, उसकी तैयारी के लिए हम लोग इस प्रकार के काम कर रहे हैं। कि आप देखिए कि जिस प्रकार की दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, जिस प्रकार के अनेकों परेशानियां आ रही हैं, उसमें जो जो हमें आवश्यक लगता है यात्रियों की सुविधा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, वो सरकार करेगी। बहुत बहुत बधाई है, तो प्यार मोहब्बत का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, इसीलिए बसंत और होली दोनों एक साथ आते हैं और आपके और हमारे मन मस्तिष्क दिल दिमाग सबको हर्षित कर देते हैं, प्रफुल्लित कर देते हैं। ये कौमी एकता का त्यौहार है, प्रेम और मोहब्बत का त्यौहार है, हमेशा हम लोग खुशी खुशी मनाते रहें। और हरिद्वार की एक खासियत है, हरिद्वार ने फूलों की होली को जो है सारे देश में प्रसिद्ध कर दिया, तो मैं हरिद्वार के लोगों को ये फूलों की होली के लिए बहुत बधाई देता हूँ। मती जरा सा इनका इनका जो चौखट है वो उसको ठीक करना पड़ेगा, हम खटखटाएंगे।